नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शुक्ला और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे कस्टमर डिमांड कर रहे थे कि पल्वलाइजर के बारे में बताओ। मैंने तो बहुत सारे पल्वलाइजर के बारे में वीडियो बना के रखा है, जैसा 2 HP हो गया, 3 HP हो गया, 5 HP भी आने वाला है, उसके भी बारे में बना दूंगा। 5 HP का 3 फेज पे अवेलेबल रहता है। तो हमारा जो एक 2 HP का है वो पल्वलाइजर टाइप में आता था, स्टील बॉडी में, पूरा 100% स्टेनलेस स्टील बॉडी में आता था। तो हमारे पास जो अभी एक न्यू मॉडल है, कैबिनेट बॉडी में आया है, एक एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 2 HP कमर्शियल मोटर के साथ। ओके, तो कैबिनेट टाइप में मशीन जो आया है, इसमें एक एडवांटेज चीज़ क्या, आप अपनी इसको इजीली घर में रख के चला सकते हो और इसका यूरेज भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 2 नंबर अगर जाली में आपने पीसने गए तो इसमें कम से कम 12 से 14 किलो के आसपास यूरेज घंटे का मिलेगा। 1 नंबर में जाली में आपको 10 से 11 किलो मिलेगा। और बहुत सारी एक अपनी जो ये मशीन है, R&D प्रोडक्ट है, रिसर्च एंड डेवलप के साथ बनाया गया है। इसकी जाली की साइज एंड बहुत सारा अलग अलग चीज़ है इसमें। 2 HP में एक तो अपना रेगुलर जो आता है, जैसा पल्वलाइजर में जाली आता है, उससे काफ़ी अलग हटके जाली है ये, इसलिए इसमें एवरेज जाता रहता है। तो वो मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कौन सा कलर में है, क्या डिज़ाइन है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी ओपरा है और कैसा SS बॉडी में ऑपरेट किया है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर देने से पहले आप एक बार ये वीडियो देख लो और ऑर्डर और पेमेंट कैसा रहेगा वो वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। ओके, और स्टार्टिंग में भी बता देता हूँ। ऑर्डर एंड पेमेंट कैसा, 100% एडवांस पेमेंट आपको पे करना रहता है और हमारे ये दिए गए हुए नंबर पे ही कॉल करना रहता है। कॉल नहीं रिसीव हुआ तो व्हाट्सएप के थ्रू हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो भी डिटेल, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, सभी व्हाट्सएप हमारे ये दिए गए हुए नंबर पे कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जस्ट लाइक अगर आपको 2 HP पल्वलाइजर में चाहिए तो आप यहाँ पर 2 HP SS में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको चाहिए बॉक्स टाइप में तो बॉक्स टाइप है तो कैबिनेट नॉर्मली करके टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 2 HP कैबिनेट वाली मशीन दिखा रहे हैं। अभी हमारा अपना लिमिटेड स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये हमारा शोरूम है यहाँ पे विरार में, लिमिटेड स्टॉक दिखाऊंगा और 1 HP से लेके 3 HP तक अभी स्टॉक दिखाऊंगा और आपको पूरा वीडियो का रिव्यू दूंगा उसमें क्या क्या है। तो ये हमारे पास जैसा आप देख सकते हैं 1 HP का स्टॉक है, ये डोमेस्टिक यूज के लिए। ये भी है 2 HP, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 2 HP फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहेगा, रेड कलर में है। ओके, बॉक्स टाइप में, बॉक्स में प्रिंट किया गया है, डोमेस्टिक फ्लोर मिल नहीं, ये कमर्शियल फ्लोर मिल है ना, आता है, इसको डोमेस्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है यहाँ पे शोरूम में। ओके, उसके बाद हम आपके ये मशीन का ओपन करके दिखाएंगे। जैसे लाइक यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे भी हमारा ये डोमेस्टिक में यू रखा है 1 HP का, और ये भी कवर हमारे कंपनी का फ्री आता है आपके साथ। 1 HP में कवर 100% लगता है, इसलिए 1 HP के साथ ही कवर फ्री आता है, 2 HP 3 HP में कवर नहीं आता है। वो फिर उसके बाद एक चीज़ हमारे पास नटराज की भी मशीन अवेलेबल रहते हैं, जैसा नटराज टाल आप देख सकते हैं, 4.5 किलो का आया है, हेक्टर मॉडल है, ये सभी अवेलेबल रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेक्टर का मॉडल कैटलॉग। नटराज के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। नटराज का ऑथोराइज डीलर भी हम ही हैं। तो अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 2 HP पर फुल्ली ऑटोमेटिक बॉक्स टाइप मशीन के बारे में। ओके, यहाँ पे हमने बॉक्स ओपन कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप में बॉक्स आता है। ओके, यहाँ पे इसको साइड में हम ओपन करके पहले साइड में रखते हैं। ओके, देख रहे हैं आप, ये है दोनों हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, एकदम फुल कैबिनेट मशीन है और काफ़ी स्मार्ट लुक के साथ 2 HP हैवी ड्यूटी कमर्शियल मशीन के साथ दिया है। ये भी एक 2 HP का पल्वलाइजर मशीन है, ये थोड़ा एक्चुअली रेडी नहीं, इसको भी ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। इसका जो चैम्बर दिया है वो ओपन करके किसी कस्टमर का चैम्बर डैमेज हो गया था तो उनको रिटर्न दे दिया। ये भी 2 HP पल्वलाइजर में फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, इसका चैम्बर नहीं होने की वजह से इनकम्प्लीट मशीन है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं 2 HP, एकदम ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है अपना 2 HP हैवी ड्यूटी, ये लाइट ड्यूटी है, ये हैवी ड्यूटी मशीन के साथ है। यहाँ पे जैसा 2.0 का हमारा 2 HP का मशीन है, ISI कंपनी सेटिस्फाइड, ISO एंड ISI दोनों कंपनी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखा देता हूँ, दोनों मशीन सेम है, एक ही मशीन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। और एक कलर, रेड कलर काफ़ी अच्छा है,
इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4.5 किलो का होपर कैपेसिटी है। यहाँ पे एक अपना स्विच आ जाता है ज्वारी बाजरी का, जैसा ज्वारी बाजरी डालेंगे यहाँ पे एक स्विच आ जाएगा, ओके। उसके बाद अपना ये होपर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे अपना आ जाता है चैम्बर। जो मेन चीज है आप देख सकते हैं कि अलग कंपनियां का जो चैम्बर और हो गया कटर हो गया पतला रहता है स्टेनलेस स्टील में, और चैम्बर स्क्वायर में बड़ा रहता है। जैसा इमेज में भी आपको फॉर एग्जांपल मैं दिखाई रहा हूँ, इसका जो देख रहे हैं कटर एकदम हैवी ड्यूटी का बनाया है, राउंड चैम्बर में बनाया है इसमें, इसलिए एवरेज इसका ज़्यादा है। कम से कम 2 नंबर में 12 से 14 किलो तक आराम से एवरेज आएगा, 2 नंबर आपने जाली वापरा तो 2 से 2.5 नंबर, ओके। यहाँ पे कॉटन बैग आप लगाना आ जाता है, 10 किलो का एक्स्ट्रा थैली भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्टेनलेस स्टील दिया रहता है और साइड में एयर पास होने के लिए यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं, और ये डोर लॉक करने के लिए मैग्नेट दिया है। अपना ये स्नैप चैम्बर लॉकिंग है, जैसा आप इसको छोड़ते हैं ऑटोमेटिक स्नैप चैम्बर लॉकिंग हो जाता है। लॉक ओपन करने के इस तरह से आपको ओपन करना है, वापस इसको छोड़ देंगे तो लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आप जाली का साइज देख, यहाँ पे जाली का मैं सेटिंग बता दूँ, जाली 1 नंबर से 6 नंबर तक आता है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, एक एक्स्ट्रा पंजाबी टाइप में आटा चाहिए तो 2.5 नंबर का भी जाली हमारे पास अवेलेबल रहता है, वो अलग से आपको परचेस करना पड़ता है। 2.5 नंबर हो गया, उसके बाद 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर, इस तरह से टोटली जाली आती है। जस्ट लाइक हमारे 2 नंबर का और 2.5 नंबर का रेगुलर जाली रहेगा, 2 और 2.5 नंबर में आराम से 12 से 14 किलो के आसपास एवरेज आ जाएगा, ओके। इस तरह से जाली आपको लगाना रहेगा, इस दोनों साइड से जाली लगता है। अगर आपका जाली खराब भी हो गया, कुछ भी इसमें का स्पेयर पार्ट डैमेज हो गया, आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट करके ये स्पेयर पार्ट आप आराम से परचेस कर सकती है, ओके। उसके बाद इसको स्नैप चैम्बर इजीली तरीके से छोड़ देना, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अपने को इसको साइड में रखना है, ओके। यहाँ पे आपका कंटेनर हो गया, ये भी 4.5 किलो का कंटेनर रहेगा, एक बार में इसमें इतना फुल भर जाएगा, ओके। इस तरह से वापस इसको यहाँ पे नॉर्मली जैसा आप 1 HP का ऑपरेट करते घर के लिए ये ऑपरेट करना है, एक बार में जितना आप ऊपर फुल करेंगे नीचे भी कंटेनर उतना फिल हो जाएगा, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इसका प्लगिंग एंड पॉइंटिंग कैसा लेना है, ओके। यहाँ प्लग के लिए इसका बैक साइड में पैनल आप देख सकते हैं, बैक साइड में वापस से आपको बता दूं, जैसा 3 HP का मशीन आपने देखा था वही सेम अपना 2 HP कंपनी का मशीन है, ISI कंपनी सर्टिफाइड है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, 2 HP 220 वोल्टेज पे यहाँ पे रनिंग करता है। जनवरी 2020 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं क्लियर कट 9 एम्पीयर पे वर्किंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय हमारी कंपनी का ये डिटेल दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको आ जाता है आपका पूरा सर्किट पैनल, जो यहाँ पे मेन कंट्रोलिंग पैनल होता है और यहाँ पे वायरिंग का पैनल आ जाता है। यहाँ पे पूरा हमको इसको लॉक करना है, एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया है यहाँ पे आप इस तरह से जाली रख के वापस इसको लॉक कर सकते हैं, आपका जाली जो यूज में नहीं रहेगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे इस तरह से वापस लगाने के बाद यहाँ पे एक ऐसा 15 एम्पीयर का प्लग आपको लगा के ले लेना है वापस, इसको ऐसा यहाँ पे लगाने के बाद जैसा नॉर्मल HP की घंटी में आवाज़ करता है, म्यूजिक आता है, उस तरह से आएगा। वापस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे साइड में 2 सेंसर दिए रहते हैं, जैसा इसके अंदर वापस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 2 साइड में सेंसर दिए रहते हैं, जैसा आप यहाँ पे अनाज फील करते हैं ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सभी दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश मराठी और गुजराती, तीनों चारों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन क्या क्या सेफ्टी यूज़ करना है और कौन से जाली में क्या चीज़ ऑपरेटिंग करना है। यहाँ पे साइड में चाइल्ड लॉक भी दिया रहता है, जस्ट लाइक चाइल्ड लॉक यहाँ पे डोर लॉक कर सकते हैं, इसको डोर लॉक बोलते हैं। एक बार ये डोर लॉक हो गया तो मशीन ओपन नहीं होगा, ओके। यहाँ पे अपना मेन स्विच ऑफ करके मैं और बाकी सब डिटेल के बारे में बता दूँ। यहाँ पे 100% वुडन का जो लकड़ी का बॉक्स है वो यूज़ किया है, यहाँ पे एयर फिल्टर है, ओके। यहाँ पे एयर फिल्टर दे दिया जाता है, इसमें आपको मसाले नहीं होगा, इसमें हल्दी नहीं होगा, एक इसमें कोई भी मसाले नहीं होगा, ओके। तो अभी इसको आपको कमर्शियल में कैसा वापरना है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आप डेली का प्रोडक्शन 70 से 80 किलो निकाल सकते हैं, आप आराम से बिंदास कंटिन्यू 2 घंटा चलाने के बाद आधे घंटे के लिए मशीन को ऑफ रखना है, उसके बाद वापस कर सकते हैं। तो दिन का कम से कम 50 से 60 किलो के ऊपर आराम से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। 3 HP में जो अपना मशीन आपने नहीं देखा है वीडियो, तो मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। वो घंटे का 20 से 25 किलो निकालेगा, प्लस उसके बाद उसका प्रोडक्शन आप उसमें डेली आप 100 से 150 तक निकाल सकते हैं। इसको आप एकदम नॉर्मली घर में रख के इसमें कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए। अभी एक मैं
पर्सनली वीडियो बनाने वाला हूँ कि आटा चक्की खरीद के आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, उसको कैसे सेटअप करें और क्या क्या रिक्स है उसमें, आपके मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो ये मशीन का मैं रेंज बता देना चाहता हूँ, कैबिनेट वाली मशीन है। इसमें दो टाइप के मशीन आते हैं, एक तो स्क्वायर होपर में आता है, सॉरी स्क्वायर चैम्बर में आता है, और एक राउंड चैम्बर में। तो ये मशीन का प्राइस है फ्रेंड्स 20,500 रुपये। इसमें आपको हमारी जब कंपनी से कॉल आप कॉल करेंगे तो इसमें कुछ डिस्काउंट रहता हो, जो आप डिस्काउंट रहेगा रीजनेबल आपके साथ डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट दे के मशीन को दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा और एडवांस पेमेंट 100% एडवांस पेमेंट होने के बाद ही आपको मशीन मिलेगा। ये है 2HP हैवी ड्यूटी कमर्शियल मशीन। ये लाइट ड्यूटी पल्वालाइजर मशीन है। इसमें एकदम ये भी ISI कंपनी सेटिस्फाई रहता है, 5-star मोटर रहता है। ये भी हैवी ड्यूटी जो मोटर वापरते हैं ये भी हैवी ड्यूटी का ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा एकदम एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी का मोटर रहता है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी है। ओके, प्लस उसमें इसमें जो चीज़ है कैबिनेट दिया है, आटा वगैरह उड़ने का बहुत कम कंप्लेन रहता है, और घर में एकदम काफ़ी लुक वाइज बेटर दिखता है। रेड कलर में जो फिनिशिंग के साथ दिया गया है, ओके, और वुडन कलर में। इसमें दो ही कलर आते हैं, रेड एंड वुडन कलर। आपकी चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मशीन परचेज करना चाहते हैं। और अभी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ 1HP मशीन के बारे में, उसका क्या लुक एंड क्या क्वालिटी मैटर करता है, कितना प्राइस। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास कमेंट्स आते हैं, सर जी आपका मशीन और कंपनी का मशीन 15,000 में आ रहा है, 10,000 में आ रहा है, 12,000 में। तो फ्रेंड्स उसमें पहले आपको बता दूँ क्वालिटी में चेंजेस रहता है। जो मोटर का वाइंडिंग क्वालिटी रहेगा वो लो क्वालिटी का रहेगा, प्लस उसके बाद जाली का क्वालिटी लो रहेगा, कटर का है, चैम्बर का, सब चीज़ को क्वालिटी को एकदम कट करके लो क्वालिटी करके उसके बाद मशीन का कॉस्ट कम किया जाता है। और हमारी जो कंपनी का मशीन का कॉस्ट रहता है काफ़ी हैवी कॉस्ट रहता है, और क्वालिटी वाइज मशीन काफ़ी बेस्ट रहता है, इसलिए मशीन का क्वालिटी एंड रेट थोड़ा महंगा रहता है। तो आपको मशीन परचेस करना दिए गए हो नंबर पे कॉल करना है, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।